नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। बीनगंज चाचड़ा से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। रेत के अवैध उत्खनन करने के 15 लाख के संसाधन जब्त। बीनागंज चाचड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती नदी पर रेत के अवैध उत्खनन करने के संसाधनों को जब्त करने में प्रशासन ने सफलता प्राप्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालूनी गांव के पास पार्वती नदी पर जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार चाचड़ा तहसीलदार व खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आज अवैध रेत उत्खनन करने के संसाधनों को मौके से जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। तहसीलदार शुभम जैन ने बताया है कि आज सुबह सुबह पुलिस व प्रशासन की टीम ने पार्वती नदी पर रेत के अवैध उत्खनन के संसाधनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए आकी गई है। प्रशासनिक कार्रवाई में खनिज विभाग के दीपक सक्सेना व पूजा बानखेड़े, पुलिस SDOP मनीष राजौरिया व पुलिस बल शामिल था। जिसमें राजस्व विभाग के साथ साथ खनिज विभाग एवं अनुभाग स्तर का पुलिस बल उपलब्ध था। सुबह 6 बजे से की गई इस कार्रवाई में हमारे द्वारा मौके से एक पंडुक भी जब्त की गई है, जिसमें ट्रक का इंजन लगा हुआ है। उसके साथ पूरा रेत उत्खनन का सेटअप है उसमें, जिसको जब्त करके बिना चौकी में रखा गया है। कितनी कीमत होगी उक्त सेटअप की? कीमत लगभग 15 लाख रुपये आकलन की जा रही है। सर, ऐसा कोई मरीजन वगैरह या कुछ व्यक्ति पकड़ा गया है? नहीं, मौके पर कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है एक मुक्त पंडुकी के साथ, और किसी व्यक्ति द्वारा उसका पोजीशन नहीं बताया गया है कि उनकी स्वामित्व की है।